नमस्कार, News24 के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया और आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्री लखन सिंह पटेल। सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा राजनीति में आना एक सहयोग आपका रहा बिल्कुल, क्योंकि एक बैंक की नौकरी और उसके बाद में राजनीति में आना कैसे रहा बिल्कुल? देखिये, तो ये तो भगवान ने डेस्टिनी तय की होगी, उसी हिसाब से आदमी चलता है। अपने करने प्रयास कर्म अपने हाथ में है, लेकिन देना उसके हाथ में है। उसने रास्ता मोड़ दिया, यहाँ आ गए। हम तो बैंक में लोगों की सेवा कर रहे थे, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। इत्तेफाक नहीं होता सर, लगा बैंक में इतने लंबे समय नौकरी की, उसके बाद में फिर राजनीति बनाए। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे अब मैं पहले शायद वहाँ कह रहा था कि जिस जगह में जिस पोस्ट में था, तो पोस्ट ऐसी थी कि जनता से सीधा जुड़ाव था। एग्रीकल्चर में काम करना, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना और किसानों के साथ जुड़ के काम करना, तो रोज़ किसान आते थे, उनसे धीरे धीरे संपर्क बढ़ता गया और संपर्क बढ़ते बढ़ते ऐसा लोगों को लगने लगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। माननीय मलैया जी मेरे मित्र कम, मेरे आदर्श ज़्यादा रहे हैं शुरू से, और मेरा उनसे परिचय लगभग 80-81 से है। और जब मैं बैंक में था तब भी मैं उनके सतत संपर्क में था, मिलना जुलना उठना बैठना हम लोग का लगभग रोज होता था। और चूँकि नौकरी में जरूर था लेकिन पार्टी की सारी गतिविधियों में उस समय भी साथ रहता था। और मैं तो समझ लो कि लेट आया है यहाँ, मलैया जी ने और आज माननीय सारंग जी नहीं हैं यहाँ बीच में, उनने मुझे बहुत बीच में कई बार कहा लोकसभा का भी विधानसभा के कि यार तुम आ जाओ लड़ दो, लेकिन उस समय नहीं होगा समय। मुझे तो वो बात भी माननीय सारंग जी की याद है अच्छे से, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो लखन, मैं अभी देने की स्थिति में हूँ, कराने की स्थिति में हूँ, कल पता नहीं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो मैंने उस समय उनसे कहा था, मुझे याद अच्छे से, कि जब समय आएगा तो आपके ही पास आऊँगा। और मैं जब गया तो बोले आज मैं नहीं हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, 2013 में पहला चुनाव। हाँ, 2013 में लड़ा। 2008 में हमारी एक्चुअली विधानसभा पहले आरक्षित थी, 2008 में परिसीमन में ये बदली सामान्य हुई। तब से मतलब 2008 में माननीय कुशवरिया जी वहाँ से विधायक थे, मंत्री भी थे, और उसके बाद 13 से मैं था। पृष्ठभूमि हमेशा कृषि वाली रही, आपने एग्रीकल्चर से एमएससी भी किया। बिल्कुल लगा शुरू से ही किसान, खेती किसानी इसी से जुड़ा बिल्कुल। मैं उस परिवार से किसान परिवार से भी हूँ, तो किसानों से बढ़ते बढ़ते बहुत कम होता है ऐसे कि जब मैं 8वीं 9वीं पढ़ रहा, 10वीं पढ़ रहा था, सोचता था एग्रीकल्चर लेके पढ़ेंगे, और जब एग्रीकल्चर लेके पढ़ा तो कहा एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएंगे, और वो सब होता गया। और जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तो मैंने तय किया एमएससी एक्सटेंशन से करेंगे, वो सब हुआ। तो ऊपर वाले की कृपा के बिना कैसे हो सकता है कि हम जो सोचते जाए होता जाए। मुझे याद है मलैया जी की हमसे आपसे पहली मुलाकात थी मेरी, और समय उन्होंने बताया था कि आप बैडमिंटन के भी अच्छे खिलाड़ी रहे बिल्कुल, स्टेट लेवल के प्लेयर, लगा नहीं कि स्पोर्ट्स में करियर बनाए, हॉकी बैडमिंटन दोनों का भी खेलने का बहुत शौक था और खेला भी। यूनिवर्सिटी कमांड यूनिवर्सिटी तक खेला मैं बैडमिंटन और कबड्डी, हॉकी यूनिवर्सिटी खेला, काफ़ी खेलने का बहुत शौक था। और अब लगता है कई बार सोचते कि उस समय तो लगता ही नहीं था कि थकना क्या कहलाता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे खेलते रहते। अब समय स्पोर्ट्स में लगा कि करियर बनाना चाहिए कभी या फिर नौकरी लगी? नहीं, उस समय स्पोर्ट्स से लोग खेल रहे हैं, अच्छा खेले और अच्छा खेले, उस समय इतना, चूँकि आज जो जितना कंपटीशन है, आज जितना सोशल मीडिया है, टीवी है, ये सब चीज़ उस समय कहाँ होती थी। अखबार ही होता था एक, जिससे मालूम चलता था महीनों बाद कि साहब ये हो गया। और समय तो ये रहता था कि चलो बस अपना जिस काम में मन लग रहा है उसको करे जाओ आगे। कई बार लोग बहुत आगे निकल जाते थे, कई बार नहीं पहुँच पाते, लेकिन आज तो हर चीज़ तकनीक की तरह हो गई। आपको सब जगह ट्रेनर मिल जाएंगे, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसके भी कोच मिल जाएंगे, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो वहाँ भी आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, सब जगह फैसिलिटीज काफ़ी हो गई। बिल्कुल 2023 में चुनाव जीत कर आया, मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी थी, लगा कि बिल्कुल दमो बड़ा चलाए क्योंकि जयंत मलैया जी वहाँ से हमेशा मंत्री थे और माना जाता था कि दावेदारी हमेशा रहेगी। इस बार बीजेपी ने कई सारे परिवर्तन किए, नए चेहरों को तो मौका दिया, पर लेकिन जब आपके पास फोन आया होगा तो क्या मन में लगा कि बिल्कुल एकदम पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, टिकट तो दिया ही? मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तो सो गया था। मैं हालांकि भोपाल ही था उस दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से लौटे होंगे रात को 12-12.5 बजे। राघवेंद्र जी जो प्रमुख सचिव हैं उनके, वो हमारे कलेक्टर रहे हैं तो हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो, उनके फ़ोन की घंटी बजी 12:15-12:30 बजे होंगे लाग। मैं
तो बोले सो गए साहब क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बताइए बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। तो मैं समझ गया कि कॉल चले आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चाय पियाना है, तो मैंने कहा जाऊँगा साहब। बस यही है, अपन ने तो ऊपर वाले के ऊपर सब, जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो सब ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है, वो काम करते जा रहे हैं, जो मौका मिलता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करो, अच्छा काम करो, बढ़ने की कोशिश करो। 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है बिल्कुल, पर लेकिन ये पीढ़ी परिवर्तन का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है एक तरीके से कहा जाए। मतलब हम देख रहे हैं कि संगठन में भी काफी बदलाव हुए बी डी शर्मा के आने के बाद, अब मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल एकदम नया, क्या देखते हैं बदलाव? क्योंकि आप 2013 में विधायक भी रहे, 2023 में अब सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए परिवर्तन हमेशा से होता आया है और वो परिवर्तन बहुत जल्दी दिखता नहीं है। जैसे अपन क्रिकेट के देखते हैं ना, 11 लोग खेल रहे हैं, वही 11 खेल रहे हैं, दो बदल जाते हैं, हमको पता ही लगता है दो कब बदल गए, फिर दो बदल गए, फिर दो बदल गए, पता लगा देखते देखते वो 11-11 बदल गए, जब 5-6 साल बाद देखते हैं तो वो पूरे लोग बदले नजर आते हैं, लेकिन एकदम क्लिक नहीं करता, धीरे धीरे करता। और सच बात भी है, कई बार जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट में, अगर कहें वो जो 15 लोग रहते हैं तो 4 बाहर ही रहते हैं ना, लेकिन उनको अनुभव दिया जाता है कि तुम बाहर से देख रहे हो और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखो सीखो। तो वो ऐसा ही दौर है, हम लोग को भी सीखने का मौका मिलता है। और अब जैसे कुछ पुराने और नए का मिश्रण है इस पूरे मंत्रिमंडल में, इसलिए बोला कि बड़ा बीजेपी जानी जाती है, मतलब कहना होगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप बीजेपी में कहीं बड़े चौंकाने वाले फैसले रहते हैं। बिल्कुल, इतने सारे दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा मैदान में, और लग रहा था उस समय पता नहीं क्या एकदम से पूरा नया परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल, नए मुखिया, नए मंत्री, तो एक लगा होगा कि बिल्कुल एक परिवर्तन है, नई नई दौर की बीजेपी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आप देख रहे हैं ना कैसा वरिष्ठ लोग, फिर जो कुछ कम अनुभवशील हैं, और फिर नए लोगों को भी आप देखा, 4 ऐसे लोग मंत्री बनाए हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और वो उनको मंत्री बनाया, और इसलिए कि ट्रेन किया जा रहा है और मौका दिया जा रहा है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। पार्टी कैसी है समझिए, सरकार कैसे चलती है उसको समझिए, और ऐसी तो अनुभव आता आदमी को। नई सरकार है, आपका जो विभाग है पशुपालन विभाग, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट है ये, और गौ संवर्धन वर्ष सरकार इस बार मना रही है, क्या खास रहने वाला है गौ संवर्धन जो साल पूरा मनाएंगे, इस पूरे कैलेंडर ईयर में जो गतिविधियां जो कुछ करने वाले हैं? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गुड़ी पड़वा जो हमारा हिंदू नव वर्ष शुरू होता है उससे हमने शुरू किया, और आने वाली साल 1 साल तक इसको मनाएंगे गौ वंश रक्षा वर्ष। उस पर हमने 26 ऐसी तिथियां तय की हैं जिनमें अलग अलग जगह कार्यक्रम होंगे, और कार्यक्रम गौशाला से लेकर जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम करेंगे, जन जागरण का काम भी करेंगे, और उसमें गौशालाओं में और बेहतर सुविधा क्या क्या हो सके उसका भी काम करेंगे। साथ साथ इसमें हमने एक बड़ा काम लिया है कि हर गौशाला के अंदर जहाँ पर भी जगह उपलब्ध है उसमें हम प्लांटेशन करा के वहाँ हरा भरा करने का काम भी करेंगे, और इस पर अभी जो हमारी समीक्षा बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा है, उन्हें निर्देशित भी किया है कि जहाँ जहाँ भी गौशालाओं में आपको प्लांटेशन करना है प्लांट्स उपलब्ध कराने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए हैं। गायों को लेकर बढ़िया रहता है हमेशा चर्चा का केंद्र, सियासत भी होती है गायों को लेकर हमने देखा, और बड़ा एक सबसे बड़ी समस्या है जो आवारा जो गोवंश जो होते हैं सड़कों पर लोग छोड़ देते हैं करते हैं, इसको लेकर क्या प्लानिंग, क्योंकि लंबे समय से प्लानिंग चली आ रही है, सरकार की नीतियां बनाती है, कई सारे योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थितियों में ज्यादा सुधार नजर नहीं आता। देखिए आपको इस बार परिवर्तन नजर आएगा, हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में 6 जिले लिए हैं, 6 जिले में देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और राजगढ़, ऐसे 6 जिले हैं कि जो भी इसकी हाईवेज हैं उन पर हर जगह आपने देखा होगा सड़क पर गाय बैठी रहती, वो बैठती क्यों है कि उसको सूखा मिलता है सड़क में, और जो बरसात के दिनों में खास तौर से जो डांस मच्छर होता है गाय भैंसों को जो काटता है वो बैठता है, तो जो गाड़ियाँ निकलती हैं उसकी हवा भी लगती है उसको, तो उससे भी उसको राहत मिलती है, इसलिए वो ज़्यादातर बैठने का प्रयास करती है। तो अभी हम लोग पायलट के रूप में 6 जिले लिए हैं, और उन 6 जिलों में हमारा काम भी शुरू हो गया, अभी हम नादी करा रहे हैं वहाँ हर गांव में कि अब कोई पशुपालक अपनी गाय ना छोड़े, अगर छोड़ेगा तो उसको उठा करके और गौशाला में हम भेज देंगे, और गौशाला में जाएगी तो बिना पेनल्टी के आपको गाय नहीं मिलेगी। अब इसके लिए बड़ा काम है, कठिन काम है, क्योंकि तुरंत तुरंत सब करना, तो अभी हम लोगों ने सब हायर किया है, जैसे गाय को उठाने के लिए ट्रक में लादने के लिए वो मशीन आती है उसको उठा के रखना, गाय को बांध के रखना, ले जाना, और फिर ये सर्वे भी कराना कि किस जगह, अब ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि जिसमें ऑलरेडी सेचुरेटेड है, मान ली 200 की या 500 की कैपेसिटी, 500 ऑलरेडी है तो हम वहाँ 500 गाय और नहीं भेज सकते, तो हम ये सर्वे करा रहे हैं कि जहाँ जो आसपास की गौशालाएँ हैं उनमें कितनी क्षमता है कि जिन गायों को हम उठा करके वहाँ भेजेंगे उनकी ठीक तरीके से देखभाल और सुरक्षा हो सके,
तो हम अभी एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरा काम कर लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग कहा है 15 दिवस के अंदर ये काम शुरू हो जाना चाहिए। अभी हम लोग इसको कर रहे हैं और ये भी आकलन कर रहे हैं कि किस गांव में कितनी गाय लगभग ऐसी है। वैसे आपको मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ कि जितनी गाय हमको बेसहारा गाय दिखती है गांव में वो उतनी बेसहारा नहीं है। उसमें 60-65% गौधन ऐसा है जो पशुपालकों का है, जो आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा, लगाया और छोड़ दिया, शाम को फिर लगाया छोड़ दिया, क्योंकि गाय तो माँ है, सीधी है, वो शाम को फिर लगने के लिए फिर घर पहुँच जाती है और वहाँ से लगा के आदमी फिर छोड़ देता, तो वो ज़्यादा है, बेसहारा कम है। जिस दिन ये शुरुआत होगी तो आप देखोगे कि वो सब अपना बांधना शुरू कर देंगे और ये आपको अभी 15 दिन के भीतर आपको परिवर्तन नज़र आया। चूँकि समय बहुत कम मिला, सरकार अभी बनी है, 2 महीने के बाद आचार संहिता लग गई, तो 2.5-3 महीने आचार संहिता रही। अभी आपको मालूम 7 तारीख को 6 तारीख को आचार संहिता समाप्त है, अगर हम देखें तो ये 15 दिन हमारे पास थे, तो इसमें प्लान हो सकता था। हमने तो बल्कि पायलट के रूप में एक पूरा रोड लिया था इंदौर से उज्जैन इंदौर होते हुए भोपाल और यहाँ से विदिशा सागर से लेकर जबलपुर और एक दमोह से लेकर के छतरपुर पन्ना होके ऐसा ये हमने पायलट में लिया था कि इन सब गांव में हम एक सेट बनाने का काम करेंगे। जैसे देखा कि इस गांव में 100 गायें हैं जो बेसहारा हैं, बाहर बैठी रहती है, तो उपलब्ध जगह के अनुसार उनके 100 गायों के बैठने के लिए हम सेट बना देंगे। तो और 5-6 दिन उसको जहाँ बिठा लेंगे तो गाय की आदत होती है कि उसको जहाँ आप एक बार बिठाना शुरू करोगे, बांधना शुरू करोगे तो वहीं जाके बैठेगी वो, 5-7 दिन करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन अभी वो काम तुरंत नहीं हो सकता, वो बड़ा काम है, वो उसमें टाइम लगेगा, तो वो हम कर रहे हैं। और अभी और दूसरा काम अभी गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं हम लोग, अभी 10 गौ अभ्यारण्य का हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसकी प्रोजेक्ट भी हमने दिल्ली भेज दी है, दिल्ली मिल के भी मैं आया। और उसका सोच उसके पीछे ये है कि अभी भी हमारे पास, मतलब पूरे मध्य प्रदेश का अगर हम आकलन करें तो जिस तरीके से हमको दिखता है कि 10 लाख बेसहारा गाय अभी सड़क पर है, लगभग 10 लाख मध्य प्रदेश में। और अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि गौशालाओं में कितनी है, तो हमारे पास पूरी 2190 गौशालाएँ हैं लगभग, जिनको हम अनुदान दे रहे हैं, उसके अलावा भी हो सकती है कुछ और, लेकिन जिनको हम अनुदान दे रहे हैं वो ऐसी 2190 गौशालाएँ हैं लगभग। और उनकी अगर हम पूरे गौधन की बात करें तो लगभग 1.5-2 लाख जानवर वहाँ हैं, पशु वहाँ पर उपलब्ध हैं, मतलब गौशालाओं में हैं। तो अभी भी लगभग अगर हम ऐसा देखें तो 7-8 लाख हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यदि पशुपालक की गाय अलग कर दें तो वो 4-5 लाख के आसपास होगी। और 4-5 लाख अगर है तो हम उसकी व्यवस्था करने के लिए क्या करें, बहुत जब इतने में हम 2190 में मात्र 1.5-2 लाख कर पा रहे हैं तो 4-5 लाख को तो हमें बहुत जगह चाहिए। तो अभी कॉन्सेप्ट बदला है कि बड़ी बड़ी जगह ऐसी देखें जहाँ पर फॉरेस्ट के आसपास हो, और हमारे राजस्व की जो भूमि है 50 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, उसमें हम फेंसिंग करके उसको वहाँ रखने का काम करें, चरवन का काम वो वन विभाग की ज़मीन में जाए। और अभी आपको मतलब आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जो बहुप्रतीक्षित फैसला था कि वन विभाग की ज़मीन को हम छू नहीं सकते, माननीय मोदी जी ने उसको भी बदल दिया और ये कैबिनेट से हो गया, उसका सब ऑर्डर्स भी जारी हो गए कि वन विभाग की ऐसी भूमि जो भूमि फल पेड़ पौधे नहीं हैं उस ज़मीन को चारा उगाने के लिए या पशु के लिए, चरवन के लिए या उसके प्लांटेशन के लिए वो दी जा सकेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस ऐसा में लगभग 15-20 साल से मैं लिखा पड़ी जहाँ मौका मिलता था वन मंत्री को, मुख्यमंत्री को देता रहता था कि भाई कभी तो इसका कुछ होगा, लेकिन सोचा नहीं था कभी वन अधिनियम इतना खतरनाक है, कड़ा है कि उसमें कोई नहीं बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन वो भी मोदी जी ने करके दिखा दिया और बदल दिया उसको। तो अब वो और सरलता होगी कि अब तो हम बड़े बड़े चेक लेके 1,000 एकड़ 2,000 एकड़ के लेकर के 10,000-15,000 गाय भी वहाँ छोड़ सकते हैं, और वहाँ थोड़ी व्यवस्था देके जैसे पानी के पीने की व्यवस्था कर दें, कुछ बीच में शेड बना दें, फेंस कर दें चारों तरफ के बाहर नहीं जा सके, और वहीं पर थोड़ा बहुत खाने के पीने की व्यवस्था हो जाएगी। 10-15 जैसे मैंने कहा ना 10,000 एकड़ 5,000 एकड़ गौ अभ्यारण्य हो जाएगा, तो अपना चरवन खाने पीने की व्यवस्था खुद भी करती रहेगी और फिर लोग भी कुछ सेवा काल करने वाले लोग हैं वो भी करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पर एक बड़ा कारण रहता है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं गाय को केवल दूध तक सीमित रखा जाता है, जो पशु मालिक है उनको समझा जाता है,
जबकि गाय से चाहे गाय का मूत्र हो, गोबर हो, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा किसानों की आमदनी के लिए बड़ा जो सोर्स हो सकता है, इसको लेकर कुछ योजना सरकार बना रही है, छत्तीसगढ़ में बनाई थी, इसका रिस्पांस मिला था, हालांकि कई सारे आरोप लगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को फायदा जरूर मिलता है अगर योजना ऐसी बनाई जाए। अभी देखिए, हम आपको एक बार जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी 3-4 लोग संपर्क में है मेरे, जो गोबर गैस से CNG बनाने का काम करना चाहते हैं। गोबर गैस लेंगे, गोबर गैस से CNG में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मेरी 3-4 लोगों से बात चल रही है, मतलब आ रहे हैं मेरे पास कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने बड़ा सरलता से कहा कि आपकी जितनी गौशालाएँ हैं, आप या तो उनको बोलिए कि वो गोबर गैस प्लांट लगा लें और गैस हमको दे दें, हम उनकी जो भी हमारी बैठ के बात हो जाएगी तो हम उसकी प्राइस देंगे, या फिर हम लगा लें वहाँ तो हम अपना गैस कलेक्ट करेंगे, उनको कुछ उसका देंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत सरल काम है, आपको तो पकी पकाई खीर मिल जाएगी और जो बाकी समस्या हमारी वो कौन हल करेगा, जो बेसहारा गौ माता गौशाला के अलावा बाहर है उसका क्या होगा। तो उस पर ही मैंने उस कहा उनसे कि भैया बीच में 25-30 गांव में एक वो लगाइए आप, अगर आप उसको कर अपनी बात होगी फाइनल हो जाएगी तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि हमारे जब ये करोगे तब हम उसके लिए तैयार होंगे कि आप 25-30 गांव के बीच में एक प्लांट लगाइए, वहाँ के लोगों से गोबर लीजिए, उसको वहाँ गैस बनाइए और वहाँ से आप अलग अलग जगह शिफ्ट करिए और उसको CNG में कन्वर्ट कर दिए, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। आप जो कुछ भी तय हो जाएगा कितने रुपये लीटर का किलो का पैसा हम देंगे उतना आप देते रहना, तो उससे गौशालाओं को भी फायदा होगा और जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा और काम भी मिलेगा उसके, क्योंकि उसका जो गोबर है, गोबर गैस से निकला हुआ जो सैलरी जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी खाद होती है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से ये भी कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि कृषि विभाग को, हॉर्टिकल्चर है और या दूसरे विभाग जो भी इसका उपयोग करते हैं वो कुछ मात्रा में यहाँ से लें, कुछ किसानों को भी हम प्रमोट करेंगे कि वो इसको लें। तो निश्चित रूप से जरूरत किसानों को प्रमोट करने की, क्योंकि DAP या यूरिया से मेरे ख्याल से ज्यादा उर्वरकता जो है गोबर की जो खाद है, जमीन उपजाऊ होती है उससे और जमीन की उर्वरा शक्ति भी, वो 3-4 साल तक इफेक्ट होता है। DAP या इफको या जो भी नाइट्रोजन जो अपने केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनको हम यूज़ करते हैं तो उनका असर, जैसे लोग कहते हैं ना साहब हमने आज यूरिया डाला और हमारी फसल 3 दिन में हरी दिखने लग गई, ऐसा मानसिक तरह थी ना, लेकिन वो कितने परसेंट में आपको चीज़ पहुँच, जैसे अब नाइट्रोजन है यूरिया में, अब नाइट्रोजन कितनी वो पौधा ले पा रहा है, हमने उसको हम ही जैसे खाना खाएं और एक साथ हमको 20 रोटी खिलाए तो क्या होगा, कितनी खा पाएंगे, वैसे हमने एकदम लिया यूरिया डाल दिया तो वो कितना प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा, बाकी तो हवा में उड़ ही जाएगी नाइट्रोजन तो वो पूरा नहीं कर पाती। तो उस ऐसे ही इसका हाल है, किसको अगर वैसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक और जो बात कही जाती है गौशालाओं में सब्सिडी एक समस्या रहती है, वो अनुदान की आपने बात की, वो गाय के चारे को लेकर जो बड़ा कम राशि है, बिल्कुल हमेशा मांग रहती रहती है बढ़ाने की, पहले बढ़ाई की थी 20 रुपये तक किया गया, अगर 40 रुपये की डिमांड उसमें रही बिल्कुल एकदम, तो लगता नहीं कि राशि बाकी में अभी कम है कि इसको बढ़ाने की भी 40 रुपये हो गया, उसका ड्राफ्ट भी अभी आ जाएगा इसी बजट में पास होके और उसके बाद आपको 40 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन मिलना शुरू हो जाएगा, जितने भी पंजीकृत गौशाला है वो माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया। और हम तो इससे आगे और एक बात कर रहे हैं जिसकी मांग ही नहीं करी किसी ने, जितने भी हमारे जैसे डेयरी में हमारे लगभग 2.5 लाख किसान हैं हमसे डेयरी से जुड़े हुए, हम उनको 5 रुपये लीटर अनुदान दे रहे दूध पर, जितना वो दूध हमारे यहाँ देंगे डेयरी में उसको 5 रुपये लीटर हम अनुदान देने का काम करेंगे, जो कि अलग अलग राज्य अलग अलग देते हैं, वो 5 रुपये लीटर हम भी उसमें देने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी तय कर दिया कि चूँकि, और इससे आगे अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में लाया था कि हमारा जो भोपाल दुख संघ है, भोपाल दुख संघ के जितने भी हमारे मेंबर हैं, मेंबर मतलब दूध देने वाले जितने हमारे सदस्य हैं, उनको हम 2 लाख रुपये तक यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये हम उनको दिलवाएंगे और 2 लाख रुपये तक का उनका इलाज भी कराएंगे जो हमारा मेंबर है। उसके आगे भी हम लोगों ने सोचा है, अभी 2 तो हम लागू कर ही रहे हैं, बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं उस योजना को, फाइनल हो गया और किसी भी दिन हम मुख्यमंत्री जी से लॉन्च करा के उसके गांव-गांव तक जाकर प्रचार प्रसार किया। हम लोग तो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसे सदस्य, किसान सदस्य जो हमारे दुग्ध संघ के सदस्य हैं और वो उनके बच्चे हमारे पढ़ने में होशियार हैं, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाता, लेकिन कई बार हमने देखा है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और उसकी आय इतनी नहीं है, मान लो 5-7 एकड़ ज़मीन ही है, तो बेचारा वो एक बच्चे को सेक्रीफाई करना पड़ता है कि नहीं साहब अभी ठीक है बड़े भैया को पढ़ा दो या छोटे भैया को पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ता,
मैं यहीं लोकल पढ़ लेता हूँ, बीए कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, तो वो स्थिति में हम उसको फीस भरने का काम भी करेंगे ऐसे बच्चों को। जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपका, जो बात सरकार कहती है, जो बात कहना चाहिए कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर है, जाहिर सी बात है खेती उतनी है, जमीन भी उतनी है, अगर आमदनी बढ़ानी है, उर्वरक क्षमता हम लोग देख रहे हैं तो फसल का उत्पादन मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर हो रहा है समय, जो मैक्सिमम ले रहे हैं, तो आमदनी बढ़ाने का दूसरा जरिया मेरे ख्याल से पशुपालन से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, और उसके लिए किसानों को शायद ज्यादा प्रेरित करने की जरूरत है कि गाय पालें या दूसरे जानवर पालें आमदनी बढ़ाने के लिए। देखिए आप जैसे अपन गुजरात की बात करते हैं, आप हमेशा गुजरात की बात जो करते हैं, गुजरात में हमने देखा है वहाँ जाकर के कि लगभग हर गाय गांव घर में आपको गाय भैंस बंदी मिलेगी देहात में जहाँ भी जाओगे आप, और उस वो जो उसका कारण है कि एक अतिरिक्त आय उससे होने लगती है। हम उस पर बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि चाहे गेहूँ की पैदावार हो, चाहे चने की पैदावार हो, चाहे दूसरी कोई फसलों की पैदावार हो, वो मैक्सिमम पे ऑप्टिमम पे है। अब वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती, जाएगी भी तो बहुत कभी बहुत अच्छा क्लाइमेट, बहुत अच्छा आपने सब कर लिया तो एक आध क्विंटल बढ़ जाएगी, मतलब उसको अगर हम कहें तो सेचुरेशन सेचुरेशन पे है। लेकिन अब हमको आय बढ़ाना है तो हमारे पास जो एलाइड एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज़्यादा पशुपालन, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, उस पर हमको फोकस भी करना पड़ेगा, किसान को समझाना भी पड़ेगा, और किसान इस बात को समझ के, हम अभी कुछ योजनाएं भी इसके बारे में बना रहे हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने एक आध महीने के अंदर ही आपको नज़र आएगी कि इससे कितना बदलाव आएगा, ये आप खुद ही हमसे आके पूछोगे, तो अभी टाइम है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे निर्देश भी मिलता रहता है और उनका आदेश भी मिलता रहता है, और उनका भाव समझ कर भी मैं उस लाइन पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ और मुझे थोड़ा बहुत समझ है कि मैं कैसे इसको और आगे कर सकता हूँ, तो करने का प्रयास कर रहा हूँ बराबर। गायों के अलावा जो दूसरे जो कहना चाहिए कि आमदनी बढ़ाने वाले जो पशु है, जानवर है, मुर्गे हो या बकरी हो, भेड़ हो, इनको पालने को लेकर भी विचार किया जाता है, जीआई टैग लगाया था हमारे जो कहना चाहिए राजपुर में जो कड़कनाथ उसको लेकर, लेकिन ग्लोबल जो भी ब्रांडिंग होनी चाहिए मध्य प्रदेश की जो कड़कनाथ या दूसरे जो इस तरीके के जो पशु उत्पाद है, वो थोड़ा सा लगता है कि ग्लोबल मार्केटिंग में थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना आपसे पहले, कभी इसमें बहुत फोकस नहीं रहा जितना फोकस होना चाहिए, जितनी इसको अटेंशन मिलनी चाहिए, और प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आदमी को ऐसा जो पुराना भाव बना हुआ है ना, साहब हमारे खेती है तो हमने एक गाय पकड़ ली, उसको ले गए, उसको जितना भी दूध दिया दे दिया, ठीक है, खा लिया, फ्री हो गए, इसके आगे नहीं, उसको हम इनकम का जरिया नहीं बना रहे, वो हमारे रोज़मर्रा का काम ज़रूर है, लेकिन हम जब तक जैसे हम आमतौर पर कोई व्यापार होता है, हम व्यापार करते हैं उसको सब हिसाब लगा, कितने का आएगा, कितने का बिकेगा, कितना हमारा लेबर का लग जाएगा, कितना हमारा किराया लगेगा, कितना बिजली का बिल लगेगा, सारा कैलकुलेट करके हम, लेकिन इसमें हम नहीं ध्यान देते, मतलब आमतौर पर किसान इस बात को नहीं समझता, तो जब तक हम उसको व्यापारिक दृष्टि से नहीं सोचेंगे तब तक हम उसको नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे अब बदलाव आ रहा है, मैं जैसे पीछे बैठे कुछ बता रहा था, अपने अनुभव बता रहा था, मैं बैंक में था तो उस समय क्या हाल था और आज क्या हाल है, बीच में क्या हाल था, वो मैं बराबर देखते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टेट बैंक छोड़ा तो मुझे पार्टी ने कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना दिया, मैं लगातार दो टर्म वहाँ का चेयरमैन रहा, पैदा किसान परिवार में हुआ, पढ़ाई लिखाई करके बैंक में आया तो किसानों के बीच में था, फिर बैंक कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना तो किसानों के बीच में था, उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बना तो अभी जनता के बीच में हूँ। मुझे लगता है कि जब से मैं हूँ तो जनता के बीच में ही हूँ, तो एक एक चीज़ को समझता हूँ, बारीकियाँ भी समझता हूँ, उसकी कमी और क्या क्या है वो सब समझता हूँ, और देखा भी है, प्रैक्टिकली भी पास से देखा है, तो उनमें सुधार करने के लिए ज़्यादा बहुत मेहनत करनी है, तो मालूम है कि इसमें कैसे करेंगे, किसानों की पीड़ा अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, मतलब अगर कुल मिला के कहें कि किसानों की बात को बहुत अच्छे से जान के उसमें सुधार क्या हो सकता है, वो गुंजाइश उसमें जहाँ दिखती है वहाँ करने का काम कर रहे हैं। पथरिया सीट बनने के बाद 13 में विधायक बने, 18 का चुनाव रहा बहुजन समाज पार्टी से विधायक थी, बड़ी चर्चा में रहती थी बिल्कुल एकदम ऐसा, बड़ा टर्न अराउंड का सरकार थी कांग्रेस की उस समय, लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व है वहाँ पर या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल केवल कांग्रेस और बीजेपी मुकाबले में। आप देख रहे हैं एक भी सीट कोई नहीं जीता, कांग्रेस या बीजेपी, एक वो आदिवासी पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, वो जीते, बाकी 229 सीटें कांग्रेस और बीजेपी में विभक्त हो गई। मुझे लगता नहीं कि कुछ कोई और राजनीतिक दल को लोग विश्वास करते हैं, या तो जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए वो कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं,
अब इस हिसाब से तो साफ नज़र आ रहा है कि पूरी की 75% 61% लोगों ने वोट बीजेपी को किया मध्य प्रदेश में, 61% एवरेज विधान लोकसभा हम 3.5 लाख से जीते हैं, टोटल जो हमारे 29 विधान लोकसभा है, ऐसी मात्र 4 विधान लोकसभा हैं जो हम 1 लाख वोट से कम से हारे, बाकी सब ऊपर जीते, एवरेज 3.5। तो अब तो साफ जाहिर है कि जनता पूरे तरह से बीजेपी भरोसा कर रही, और ऐसा भी नहीं कोई एक्सीडेंटल हो, अभी कुछ दिन पहले 163 सीट जिता करके जनता ने भेजा हमको, तो ये तो मानना पड़ेगा। क्यों बना के रखा था उस समय सरकार आ रही है कांग्रेस की आ रही है वो तो अब देखिए ऐसा है कि अपन कह नहीं सकते, एक माहौल बनाया था और लोगों ने माहौल बनाया ऐसा कि आ रही है, हम लोग जानते थे अच्छे कि जनता हमारे साथ है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं तो देख रहा था गांव जाता था तो लगता था कि यार महिलाएं भी निकल के आ रही हैं, महिलाएं भी वोट दे रही, हम लोग कभी जाते थे संपर्क करने तो महिलाएं बहुत सुनने आ जाती थी, भाषण देते तो महिलाएं खड़े होकर सुनने लगती थी, तो लगता है कि सुनता तभी आदमी जब वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो या मानस बना रहा हो या कुछ कर रहा तभी सुनता आपकी बात को, नहीं तो क्या घुसने चला जाता आराम से। तो हम लोग पहले से आकलन कर रहे थे लेकिन लोग बराबर मीडिया या सब कह रहे थे नहीं साहब लोग कांटे की टक्कर है, नहीं साहब इनकी 120-118 ऐसे ही स्थिति बनेगी, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 163 और इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया लोकसभा में कि जो कभी टूट नहीं सकता कि 29 की 29 सीटें हम जीत गए जो आज तक कभी नहीं जीते। पर उसके बाद ही इतना प्रचंड बहुमत, उसके बाद ही कांग्रेस के विधायक का लाना, कांग्रेस के नेताओं को लाना, ये मतलब एक बड़ा वो रहा बिल्कुल। हमने देखा लोकसभा से पहले इतनी बंपर भर्तियां की गई बीजेपी के अंदर, खुद आ रहा है कार्यकर्ताओं को लगता था कि उनको क्या काम मिलेगा। नहीं नहीं काम देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, वो किसी आने जाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिद्धांतों के साथ आया है, वो किसी सोच विचार के साथ आया, विचारधारा के साथ आया है। अभी जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, इसलिए स्वागत है कि आपको हमारी विचारधारा, हमारी बात, हमारे पार्टी का काम करने का ढंग, हमारे नेताओं का भरोसा, नेता का, जनता का भरोसा आपको है, तब तो आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए और आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, काम करें पार्टी में अच्छे से सब मिलजुल के और देश को बढ़ाने का, प्रदेश को बढ़ाने का काम करेंगे। उपचुनाव में मध्य प्रदेश में सीट पर होने वाले बुधनी तो है ये सामने, अमरवाड़ा सामने, अभी अमरवाड़ा 10 तारीख को चुनाव है, बुधनी सामने बिल्कुल एकदम, दो सीटें अभी भी ऐसी है, एक तो बुंदेलखंड सी आती है बिना आपकी, अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि विधायक इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्या कमिटमेंट क्या चीज़ है बिल्कुल एकदम? सब धीरे धीरे सब हो जाएगा, अब देख रहे हैं अपन कि कमलेश शाह जी ने दिया था इस्तीफा, चुनाव आ गया, अब शिवराज जी ने अभी दिया है, ये लोग भी क्या जो होगा निश्चित रूप से भी कुछ दिनों में सब बाहर आएगा, सामने आएगा और निश्चित रूप से हम चारों की 4 सीटें फिर जीतेंगे। अच्छा बुंदेलखंड से आप आते हैं, मैं एक सवाल ले रहा हूँ आपसे, बिल्कुल कहा जाता था कि बुंदेलखंड की बदहाली हमेशा से, कई सारी कहानियां, कई सारे स्टोरियां, कई सारे हम देखते थे खबरें जो निकल के आती थी बुंदेलखंड से, हमेशा बदहाली की तस्वीर निकल के आती थी, पर लेकिन बड़ी परियोजना बुंदेलखंड के अंदर आई है, उनका बड़ा फायदा मिलने वाला, तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है एक बड़ी परियोजना है, पूरी क्षेत्र की तस्वीर कम से कम बदलेगी, बिल्कुल लग रहा है कि पहले के बुंदेलखंड और अब के बुंदेलखंड में जो बदलाव हुए हैं बिल्कुल संतोषजनक है। आप देखिएगा बुंदेलखंड सबसे अलग चमकेगा, जैसा कभी हम पहले कहते थे ना कि पंजाब का किसान जहां दिखता है तो वहां अलग दिखता है कि ये पंजाब का किसान है, क्योंकि वहां इतनी पैदावार होती थी, वहां सिंचाई के इतने साधन थे और बाकी सुविधाएं थी, हालांकि ठीक है वह बोलता पंजाब अलग हो गया, वो मामला बिगड़ गया, लेकिन जो पहले किसान की बात कहते थे कि हम पंजाब का उदाहरण देते थे, आज हमने मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। आज हमारी अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो हमारे आपको जिसे मालूम है कि हमारे बुंदेलखंड से बड़े बड़े 4-5 नेता हैं, माननीय आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय जयंत मलैया जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, ऐसे लोग वरिष्ठ काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने बुंदेलखंड में जो काम करने का प्रयास किया और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। और हमारे ज़िले की जहां तक बात करूं, मैं अपनी विधानसभा की जहां तक बात करूं, हमारे ज़िले में अभी 5 बड़ी बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं हमने पिछले अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराई, जिसे माननीय मलैया जी उस समय तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे, उनका आशीर्वाद तो मुझे बचपन से लेकर जब से उनके साथ हूँ तब से रहा है और अभी भी है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मेरी 4 परियोजनाएं मेरी और एक उनकी विधानसभा, उससे 1,75,000 एकड़ में सिंचाई होगी। और मुझे आपके माध्यम से बताते हुए प्रसन्नता कि जब सारी ये परियोजनाएं हमारी धरातल पर आ जाएंगी, मतलब पानी खेतों तक पहुंचने लगेगा, तो हमारे दमोह ज़िले की लगभग 60% से ऊपर ज़मीन सिंचित हो जाएगी। और आप इस बात से सहमत भी हो जाएंगे कि अभी आपने जैसे केन बेतवा का सुना होगा, कैन बेतवा जो बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, तो मिला के उसके बीच में कैन बेतवा बन रही है। कैन बेतवा बहुत बड़ी परियोजना है, लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना है। हमारे बुंदेलखंड को भी उसमें लगभग 1.5 लाख या 2 लाख हेक्टेयर के लिए पानी मिलने वाला है, तो हमारी बची हुई तो वैसे ही सब हो जाना है।
और अभी सागर गया, अभी कभी इस तरफ से आप जाएंगे रायसेन रोड से तो बीच में आप देख रहे होंगे पुल का निर्माण हो रहा है लगातार। वो पुल लगभग 12-14 किलोमीटर बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि वो पूरे नीचे एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है सिंचाई का, जिसमें आप सोच लीजिए कि 12 किलोमीटर जब पानी के बीच में से जाएगा वो, तो कितना पानी होगा उसमें, कितनी सिंचाई होगी। अब मैं एग्जैक्ट आंकड़ा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि पूरा मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन ये बात तय है कि सागर और हमारा दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये सारे के सारे सिंचित हो जाएंगे और आने वाले 4-5 साल 6 साल के अंदर आपको ऐसा बुंदेलखंड दिखेगा जो मध्य प्रदेश में अलग चमकेगा। जब कभी कहा जाता है मालवा का किसान है, भाई ये मालवा का खेत है, मालवा के किसानों, मालवा के खेत से ज़्यादा बेहतर बुंदेलखंड दिखेगा आपको, यहाँ का किसान अलग चमकता दिखेगा। जब किसान खड़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा बुंदेलखंड का किसान है। एक बात गौशालाओं को लेकर मेरे को फिर से आ रहा है सवाल, कांग्रेस के समय स्मार्ट गौशाला बनाने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था क्लेम के जो वादे कांग्रेस ने किए थे 100 से ज्यादा स्मार्ट गौशालाएं पूरे देश प्रदेश के अंदर उन्होंने बनाई है, अब बीजेपी की सरकार आई स्मार्ट गौशाला का जिक्र नहीं होता है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने सिर्फ कागजों पर बात की, कांग्रेस ने सिर्फ भाषणों में बात की। मैं तो आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूं उनसे, उनने जब पंजाब में उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था हम सारे किसानों का कर्जा माफ, वो बता दें 1 रुपये माफ़ किया हो तो। जब कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो इसी आधार पर बनी थी कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आप पूछ लीजिए, नेट पर उठा के देख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि कितना कर्नाटक में आपने कर्जा माफ़। मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बनने का उनका एकमात्र कारण था कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये बात की 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। आप पूछ लीजिए उनसे कितने लोगों का कर्जा माफ़ किया, कितने किसानों का कर्जा माफ़ किया। मध्य प्रदेश में अगर इस नेशनलाइज बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का अगर हम बात कर लें तो 60,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा किसानों के ऊपर है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक का, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हजारों करोड़, 60,000 करोड़। उनने कितना कर्जा माफ़ किया। तो कांग्रेस तो हमेशा कहती आई है और आज भी जो उनने गौशालाएँ बनाने का काम किया, शुरुआत की, आज भी आधे से ज़्यादा गौशालाएँ अधूरी पड़ी हैं, जिसको हम पूरा करने का हमने आश्वासन मतलब काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अभी हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको भी कहा है और हम लोग को सबको कहा है कि जितनी भी ऐसी गौशालाएँ हैं जो अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराएं, और जहां पर सेचुरेशन हो गया, जैसे उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी, 100-125 से ज़्यादा कोई क्षमता नहीं थी उन गायों उस गौशालाओं में, अगर वो क्षमता पूरी उनकी हो गई है तो उनको विस्तार करने का काम भी हमारी सरकार करेगी और उसके मतलब हम लोग का सैद्धांतिक सहमति हो गई, उसके आदेश बहुत जल्दी प्रसारित होकर के वो काम करेंगे उसका। बिल्कुल लगन पटेल जी, समय की थोड़ी बात है, चर्चा में पता ही नहीं लगा आपसे कब बिल्कुल समय निकला। और तो प्रश्नकाल में मेरे साथ आज मौजूद थे प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लगन पटेल, अगली बार किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।